तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, पीटीआई रहनुमा आमिर क्यानी का 9 मई के वाकयात पर पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, फौजी घराने से ताल्लुक है, फौजी तंसीबात पर हमले का अफसोस हुआ, अब सिर्फ सब्ज हिलाली परचम थाम कर जिएंगे। आमिर क्यानी आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मैं अपनी इस टिकट से विदड्रॉ करता हूँ। रीज़न सिर्फ ये है कि अगर टिकट गाली दे के मिलती है या कोई अदारे को आग लगाने के लिए लगा के आपको मिलती है तो फिर ये मुझे टिकट नहीं चाहिए। पीपी 149 से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार इबाद फारूक ने पार्टी टिकट वापस करने का ऐलान कर दिया। इल्ज़ाम लगाया आग लगाने के जिम्मेदार यास्मीन राशिद और मियाँ महमूद रशीद हैं। मई को जिना हाउस पर शरपसंदों का हमला, होशरुबा तफसीलात सामने आ गई। दोपहर 2:35 से मुजाहिरीन जमान पार्क में जमा होना शुरू हो गए। 3:20 तक यास्मीन राशिद और शरपसंद कैदी लिबर्टी चौक पहुंचे। 5:15 पहला धावा बोला गया जो पसपा कर दिया गया। 5:27 पर शरपसंद दोबारा जिना हाउस पहुंचे। 6:07 पर जिना हाउस को मुकम्मल जला दिया। तकरीबन 200 से ज्यादा जगहों पर शरपसंदों ने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। इन लोगों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई है, 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त जमान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पना लिए हुए। डेडलाइन दी जा रही है 24 घंटे। पंजाब की निगरान हुकूमत पीटीआई की लीडरशिप को दे रही है, इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 शरपसंद जमान पार्क में छुपे हैं। 24 घंटे में उन्हें हवाले ना किया गया तो भरपूर एक्शन होगा। निगरान वजीर इत्तला पंजाब आमिर मीर का अल्टीमेटम, कहा, शरपसंदों के खिलाफ पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, उन्हें निशाने इबरत बना देंगे, फवाद चौधरी से भी ज्यादा भगाएंगे। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार 60 शरपसंदों की तस्वीर और कवायफ जारी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शरपसंदों ने जिना हाउस में तोड़फोड़ और कीमती सामान लूटा था। जियो फेंसिंग की मदद से 35 मोबाइल नंबर ट्रैक कर लिए गए। जराए के मुताबिक ये मोबाइल सार्फिन हमले के वक्त कई घंटे जिना हाउस समेत दीगर हसास तंसीबात के पास रहे। इनके कवायफ हासिल कर लिए गए और उनको सियासी वाबस्तगी पीटीआई से है। जिना हाउस का एक चक्कर लगाएं देखने के लिए कि यहाँ क्या किया गया है और यहाँ क्या हशर हुआ है। अफसोस है, बहुत अफसोस है, मगर अफसोस से ज़्यादा जो असल में इमोशन है ना वो है दुख का। दुख होता है देख के कि ये जिना हाउस के साथ किस किस्म का बर्ताव कर लिया, कौन ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है कि ये यहाँ पे आके ये काम कर सकते। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन का जिना हाउस का दौरा, 9 मई के वाकयात की मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगु में कहा, कोई सोच भी नहीं सकता जिना हाउस में तोड़फोड़ की जाएगी, तमाम लोग पीटीआई के कारकुन थे, मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को तलबी का नोटिस मौसूल करा दिया। नोटिस इमरान खान की कानूनी टीम के रुकन अली भिंडर ने वसूल किया। नोटिस के मुताबिक इमरान खान को कल नैब रावलपिंडी में तलब कर लिया गया। मैं नैब का मशकूर हूं कि उसने मुझे भी 190 मिलियन पाउंड के केस में इमरान खान का के साथ फरीक बना दिया है। शुक्र है उन्होंने मुझे भी 190 मिलियन पाउंड के काबिल समझा। जेल मेरा ससुराल है। 190 मिलियन पाउंड में शरीक करने पर नैब का बहुत बहुत शुक्रिया।
अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी नैब के रिडार पर आ गए। 190 मिलियन पाउंड केस में 24 मई को तलब। शेख रशीद का कहना है कि नैब का मशकूर हूं जिसने उन्हें 190 मिलियन पाउंड के काबिल समझा, चट्टान की तरह डटा रहूंगा। अदलिया से यकजहती रैली में दफा 144 की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को 31 मई को हर सूरत पेश होने का हुक्म। 100 से ज्यादा केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में 31 मई तक तौसी। 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का श्री मजारी और फलकनाज को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने, अली मोहम्मद खान और मलिका बुखारी को रिहा करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मुसर्रत जीमा और एजाज चौधरी गिरफ्तारी केस में डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन भी चीफ जस्टिस के नक्शे कदम पर। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन ने आईजी से कहा, गुड टू सी यू। इस मुकालमे पर कमरा अदालत में कहकहे गूंज उठे। अदालत ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। जिना हाउस लाहौर में लोगों की आमद का सिलसिला जारी। असातिज़ा, तुलबा, रिटायर्ड सिविल अफसरान और दीगर अफराद ने शरपसंदों पर सख्त गम गुस्से का इजहार किया। पेशावर में दूसरे रोज भी सिविल सोसाइटी और स्कूल के बच्चों ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। अमला को नुकसान पहुंचाने पर शदीद गम गुस्सा। तुलबा ने अहद किया है कि वो इस कौम की आवाज़ बनेंगे। पाक फौज अजीम है, उनकी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए हम सब जानते हैं। हर मुश्किल घड़ी पाक फौज हमारे साथ खड़ी है। सरकारी व निजी इमलाक पर हमले, चादर और चार दीवारी के तकद्दस की पमाली ना इस्लामी कल्चर है ना सियासी व जमहूरी कल्चर है। फौजी तंसीबात पर हमले के बाद पूरी कौम का पाक फौज से इजहार यकजहती। बच्चे हों या बुजुर्ग, अदाकार हों या समाजी रहनुमा, सबका एक ही पैगाम, पाक फौज से बोगस मुल्क दुश्मनी के बराबर। पाक फौज अजीम और उसकी कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं।